छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अजय मम्मी जी, क्या मुसीबत है लड्डू ये? अब मम्मी जी ये तो पूरा दरख्त है। अरे जब देखो आते जाते मुंह पर टकराता रहता है, कटवाओ इसको। अब मम्मी जी दरख्त ही कटवा दूं? हाँ हाँ कटवा दो, चलो मैं अंदर गुलाम से कहती हूँ इसको काटे, चलो भाई। ससुर जी, गुलाम गुलाम आ रहा हूँ। जी 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 बेगम, ये जो दरख्त है ना बस इसको फौरन कटवा दें। कौन सा दरख्त? अरे ससुर जी वो जो मेन गेट पर है वो वाला दरख्त। अच्छा अच्छा, लेकिन बेगम दरख्त काटना तो बुरी बात है ना। मैंने आपसे कह दिया ना कि उसको कटवा दें तो बस कटवा दें। तो मम्मी जी हम एक काम करते हैं ना, हम उस दरख्त की शाखें काट देते हैं, मसला हल हो जाएगा। अरे हर हफ्ते उसकी शाखें निकल आएंगी और हर हफ्ते यही मसला होगा और तुम दोनों काम चोर बहाने बनाते रहोगे। मम्मी जी दरख्त भी तो जानदार होते ना, खाना खाते पानी पीते है ना। सही तो कह रहा है बच्चा, देखो ना भाई पूरा दरख्त काटने की क्या जरूरत है, सिर्फ शाखे वाखे काट दो बस। मैंने कह दिया ना। मम्मी जी दरख्त के पीछे क्यों पड़ गई हैं आप? हाँ? कल सुबह मेरे उठने से पहले पहले ये दरख्त कट जाना चाहिए, समझ गए? ठीक है मम्मी जी, जैसे आपका हुक्म हो जाएगा। ठीक है, कल सुबह आपको ये दरख्त नहीं मिलेगा। बस ठीक है, मेरे रूम में चाय लेकर आइए। इस वक्त कौन आ गया? गुलाम गुलाम, अरे गुलाम देखे ना कौन आया है, थोपा है, पूरे पेज के सो रहे हैं, मुझे उठ के देखना पड़ेगा। चलो इधर आओ जल्दी। आ रही हूँ। हाथ में क्या है तुम्हारे? ये वही कुल्हाड़ा है जिससे तुम लोगों ने मुझे कत्ल किया है। मैंने तो तुम्हें कत्ल नहीं किया, हुक्म तो दिया ही था ना। या अल्लाह ये सब क्या हो रहा है? मकाफाते अमल। लड्डू गुलाम जल्दी आओ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या हुआ थाने में? ये कौन है झाड़ियों वाला आदमी? मैं वही दरख्त हूँ जिसको तुमने बेरहमी से कतल कर डाला। हम लोगों ने? हाँ तुमने भूल गए अभी शाम में। आज वो तो हमें बेगम ने कहा था काटने के लिए, इन्होंने। अब तो गवाह भी मिल गए। मैंने नहीं कहा, तुम जाओ यहाँ से जाओ। चुप कातिल औरत, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा यही। अरे वाह ऐसे कैसे जा रहा हो, अंधी लगी है क्या? जाओ मेरे लिए एक बाल्टी पानी लेकर आओ। पानी एक बाल्टी? हाँ हम लोग से पानी पीते हैं। खाते क्या हो भाई? पानी में ना रहते हम लोग, खाते भी पानी है पीते ही पानी है। अच्छा चलो। अरे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पानी लेने जा रहे हैं एक बाल्टी इसके लिए भाई, सुना नहीं अभी? चुप बैठो। देखे आप जो कोई भी है ना, आप हमें माफ कर दे और चले जाएं यहाँ से। ये पहले सोचना था, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरी फैमिली भी यही आ रही है। फैमिली? फैमिली क्यों, आप लोग ही नहीं होती? नहीं होती है हमारी तो यही है। खुशबू बता रही है मेरी फैमिली आ रही है, खुशबू बता रही है मेरी फैमिली आ रही है। आ गए तुम लोग? हाँ तो तुम बिना बताए आ गए थे, तो सामने बेर साहब ने बताया कि तुम यहाँ आए हुए हो। बेर साहब? हाँ हाँ वो सामने जो बेर का दरख्त लगा है ना उसकी बात। तो उनका नाम बेर है, तो आपका नाम क्या है और आपकी फैमिली का नाम क्या है? मैं दरख्त हूँ, मेरा नाम है नीम, ये मेरी वाइफ है बेल, इनका नाम है चमेली, और ये है मेरा बेटा पौधा, इसका नाम है गुलाब। अरे वाह भाई वाह, यानी आपकी भी मुकम्मल फैमिली है भाई। हाँ
लेकिन ये काटने वाले कहाँ सोचते। अब्बा मुझे पानी चाहिए। और मुझे भी थोड़ा सा पानी ला देना। हाँ चलो भाई, मेरी फैमिली के लिए 2 बाल्टी पानी लेकर आओ, और ये मेरा पौधा है ना, इसके लिए आधी बाल्टी लाना। अब क्या 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 जाते हो या उठाऊं कुलाड़ी? तुम कहाँ जा रही हो? यही बैठ जाओ, अभी तो हमने तुम्हारी सजा भी सुनानी है। सजा? कैसी सजा? दरख्त काटने की सजा। देखे दरख्त साहब, मैं तो कहती हूँ कि कुछ ले देके ना मामला रफा दफा कर लेते। हाँ हो तो सकता है। क्या लेंगे आप? तुम्हारी जान, जान के बदले जान। हाय भाईजान, पानी आ रहा है, जो बचा है वो लेके आ रहा है। लड़की ससुर जी, चुल्लू भरो और निकल आया टंकी से पानी। ये लो, ये रहा, ये चुल्लू पर पानी रह गया था, ये ले ले। ये ओए, भर गई बाल्टी। और पानी लाओ। देखिए अब तो पानी खत्म हो गया है, टंकी में भी पानी खत्म हो गया है। तो अब जरा पानी पे हौला हाथ रखना दरख्त भाई। भाई हमें नहीं पता, हम जब पानी मांगेंगे हमें पानी चाहिए, वरना क्या। ये जंगली लोग कौन है? जंगली? अबे भाई जंगली उंगली नहीं हूं मैं, दरख्त हूं। तुम्हारी माँ ने मुझे काट डाला, मार डाला, उसी का बदला लेने आया हुआ है। देखा, मैंने कहा था ना आप इन दरख्त लोग को मत काटिए। ये देखिए पहुंच गए घर में। ये मुझे काफी समझदार बच्ची लगती है। ये मेरी बेटी है। मालूम है लेकिन लगती नहीं है, तुम जाहिल सोच की मालिक और ये काबिल बच्ची। हाँ आपको कैसे मालूम? वो मेरे किराएदार ने बताया था। अब किराएदार कौन है? जिन्नात। जिन्नात? जिन्नात? ये बेटी आपको समझदार लगी ना, तो मैं इसका बाप हूँ तो मैं कितना समझदार हूँ। मैं तो शौहर हूँ। अरे हाँ, मैं काम करती हूँ, मैं अपनी सारी फ्रेंड्स लोग को बुलाती हूँ और वो सब ना आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ सही है, बुला लो, इतनी देर में अपनी शाखा ठीक कर लेता हूँ। हाँ सही है, मैं जा रही हूँ कॉल करने। दरख्त भाई आपका पत्ता गिर गया। कोई बात नहीं, रेलगाड़ी है। जी नाज़रीन, आज हम आपको जिसका इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक दरख्त है। तो आपकी पैदाइश कब हुई? यही कोई 200 साल पहले। क्या आपके साथ आपकी फैमिली है? जी मेरी फैमिली मेरे साथ है, सबकी फैमिली होती है, लेकिन ये काटने वाले कभी नहीं सोचते कि हम भी जीती जागती चीज है। आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? जी मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि लोग छांव तो चाहते हैं लेकिन दरख्त नहीं लगाते। हम लोग खुद धूप में जलकर तुम लोगों को छांव देते और तुम हमारे कत्ल कर देते हो। आपके हुक्मरानों से कोई दरख्वास्त? मेरी अपील है कि हमारा ख्याल रखा जाए और जो इंसान भी दरख्त काटे उसके बारे में सोचे भी, उसको भी वही सजा दी जाए जो एक इंसान के कत्ल की होती है। दरख्त काटना भी एक कत्ल करार दिया जाए, और जो भी दरख्त काटे उसको भी वही सजा दी जाए जो दरख्त काटने वाली को दी जाती है, और उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आपका नाम क्या है? बस बस, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, काम की बात हो गई ना, तब तुम नाम क्यों पूछ रहे हो? हाँ अरे बेगम मेरी नियत साफ थी। हाँ मुझे पता है, बस बस रहने दो, मैं सब जानती हूँ। उस दिन तुम रात की रानी के साथ जैसे बातें कर रहे थे ना, मैंने सब देखा था, वो तो मैं तो। अरे अरे बस झगड़ा मत करो, बाद में लड़ लेना। सब छोड़े, आए कातिला से पूछते हैं कि दरख्त कटवाने का उन्होंने क्यों सोचा। गलती हो गई मुझसे, मुझे नहीं पता था। क्या आपको किसी ने समझाया नहीं कि ऐसा नहीं करना था? अरे मैंने समझाया था, मैंने कहा था मामा को कि मामा देखिए दरख्त मत काटें, मगर मेरी मामा वो तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती, वो गई और सारे के सारे दरख्त कटवा दिया। हनी भैया जी, मतलब लोगों के मना करने के बावजूद भी आपने ऐसा किया? आप क्या मुझे जलील करने आई है? नहीं नहीं, हम तो यहाँ पे बस आपसे पूछने आए थे, इंटरव्यू लेने आए थे बस। क्या सजा दी जाए तुम्हें? जो 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 आपने तय की है, इन्होंने जो बताया वही दे दे। गुलाम आराम से, सबूतों और गवाहों के बाद
तुम मुलजिम से मुजरिम बन गई हो। पता है क्या, मैंने ना मामा को मना किया था, मगर ये तो किसी की बात सुनती ही नहीं है। मैं तो इतना मना कर रही थी, मामा देखे दरख्त ना काटे ना काटे ना काटे, है ना लड्डू? अब इनको सजा क्या दी है, जल्दी बताओ। इसने मुझे बेवा कर दिया था, आप इसे बेवा कर दी। जी हाँ, 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 ना, 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 जमीली भाभी क्या कह रही हैं आप? ये तो अगर ऐसा किया तो मैं तो गया, मैं तो गुलाम हूँ, एक घर दामाद। अरे मैं तो देखिए, मैंने तो पूरी दुनिया भी नहीं देखी अभी सही तरह से। मुझे तो इस औरत ने कहा था कि दरख्त काट के आ जाओ, इसलिए मैंने काटा था भाई। मैंने तो कहा था बस सिर्फ शाखें काटनी है। अबू अबू आप तो रहने ही दे, इन्होंने शाखे काटने का बोला था, मैं इनके बाल काट देते, इन्हें गंजा कर देते। गंजा? बाल काट देते? नहीं 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 नहीं, गंजा नहीं करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काट दो काट दो। अबे तुम कहाँ जा रहे हो गंजी के गुलाम, यहीं खड़े हो जाओ। भाई साहब जरा खाना वाना कोई बना रहे, भूख लग रही है। आप तो तारीखों पे तारीखें बदल रहे हैं, एक बात पे तय नहीं कर रहे कुछ। फल गाया करो, फल, ताजा फल। इस वक्त ताजा फल कहाँ से लेकर आए? ये लो खाओ। ये कहाँ से आया? मुझे भी। ये लो तुम भी खाओ। अरे वाह, ये आया कहाँ से आपके पास? ये हम उगाते हैं तुम लोगों के लिए, खाओ ताजा फलों को। मुझे भी भूख लगी है। तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, यही तुम्हारी सजा है। अबू अबू मुझे भी भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए। फिर पानी चाहिए? पानी 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 तो लाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, लेके आते तुम हो। आजा लड्डू, आजा लड्डू, आजा लड्डू, आजा। देखिए दरख्त अंकल, आपको जो भी फैसला करना है प्लीज आप जल्दी कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मुझे सोना है, रात हो गई है। ठीक है, तुम सो सकती हो, जाओ। मैं जाऊं सुने? हाँ हाँ तुम जाओ, अच्छी बच्ची हो तुम। मैं जा रही हूँ। अरे भाई तानी बेगम कहाँ है? कहाँ है तानी बेगम? क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ भाई? ये क्या जंगली बुलाए हुए हैं? डरता नहीं हूं मैं किसी से। तानी बेगम आपने ये दरख्त कटवा के बहुत ही अच्छा किया, अगर आप ना कटवाती तो मैं खुद ही काट देता इनको। चुप कर जा, चुप कर जा। आप कौन हैं? मैं ही वो दरख्त हूँ जिसके काटने की तू बात कर रहा है, जिसके कत्ल पे तू खुश हो रहा है। अभी तेरा फैसला भी करता हूँ मैं, पहले जरा ये तानी बेगम का फैसला कर दूँ। देखें प्लीज मुझे जाने देना। देखें आपको शायद मालूम नहीं है, मेरे वालिद साहब भी माली थे, उन्होंने आपकी बहुत खिदमत की है, प्लीज मुझे जाने देना। क्या आप तो कह रहे थे कि आपके अब्बा बहुत बड़े रईस थे। हाँ? आप तो चुप रहे, प्लीज मैं सच कह रहा हूँ, मेरे वालिद ना माली थे, प्लीज मुझे जाने दें। क्या वाकई वो माली थे? कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे वालिद ना माली ही थे। अच्छा क्या नाम था उनका? खट्टे मियाँ। हाँ वो तो बहुत अच्छे आदमी थे। ठीक है तुम जाओ। मैं जाऊं? हाँ हाँ तुम जाओ, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से छोड़ रहा हूँ मैं। शुक्रिया। ओए यार सुन, ताजी रातें बागबान दफा 302 के तहत अदालत मुजरिम तानी बेगम को सजाए मौत सुनाती है। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह
अल्लाह तेरा शुक्र ये ख्वाब था। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तानी बेगम, पेड़ काटने जा रहे हैं। अरे मैं तो काटूंगा पेड़। नहीं नहीं तानी बेगम मैं नहीं। अरे मैं काटूंगा पेड़। मुझे आप मैं मना कर रहे, पेड़ नहीं कटेगा। पेड़ कटेगा आप तो मैं काटूंगा आप। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।